जी हाँ, आप समझ गए होंगे बात आज हम रक्त चरित्र की क्यों कर रहे हैं। एक तरफ पश्चिम बंगाल है और पश्चिम बंगाल की ममता दीदी कहती हैं यूपी का जो जिक्र उन्होंने इशारों इशारों में किया वो सवाल तो बड़ा है। तो आज इन सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ आपको बता दें इस वक्त ये नर अपने देश के नागरिकों के लाशों के ऊपर चाहे सिंहासन हिले या मिले, मैं इसको जो है समर्थन नहीं करता हूं। सर कहां राम राज्य से जबरदस्ती तुलना कर रहे हैं? राम राज्य में एक कुत्ते को उसके मालिक ने लाठी से मार दिया, उसका सर फूट गया, उसको भी न्याय मिला था, राम ने उसको दंड दिया था। राम राज्य ये होता है। आप अगर नहीं बोलते हो तो ये मौन समर्थन, मौनम स्वीकार लक्षणम, किसी भी पार्टी के रूप में चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे किसी के, फिर बदल दिया स्टेटमेंट आप। देखिए हमारा देश महान इसलिए बोला जाता है अहिंसा परमो धर्मा। ये राजनैतिक हत्याएं ही थी जिससे क्षुब्ध होकर के अशोक ने अपनी तलवार को त्याग दिया, युद्ध को त्याग दिया। अब ये सारे पॉलिटिकल पार्टी उसी चीज को यानी राजनीति में हत्याकरण को, राजनीति में अराजकता को वापस लेके आ रहे हैं और लोग इसका महिमा मंडन कर रहे हैं। 25 पार्टियां इधर भी हैं, 25 पार्टियों का ग्रुप उधर भी है। ये इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं, क्यों नहीं सारे मंच पे एक लोग इकट्ठे होके बोले कि भाई वोटिंग हो रही है, राजनीति के चक्कर में कोई किसी के ऊपर अटैक ना करे। पक्ष विपक्ष दोनों की बात कर रहा हूं साहब, कितने नर मुंडों के ऊपर चढ़कर आप लोग विजय पताका अपनी फहराएंगे? आपकी सरकार सबके विश्वास की बात करती है या आपको समझने की आवश्यकता है? किसके विश्वास की बात करती है सर? सबका विश्वास, इस लोकतंत्र में विश्वास। आप सुनिए, आप आरएसएस के विचारक हैं, आप बीजेपी को क्यों नहीं बोलते हैं? यह आपको समझने की आवश्यकता है। बीजेपी को आप पॉलिटिकल, आप तो सर विचारक हैं, आरएसएस तो विचारधारा को प्रेरित करती है, आप क्यों नहीं बोलते हैं कि बीजेपी, या आप स्टेटमेंट जारी करवाइए ना मोहन भागवत जी से कि भाई बीजेपी के हमारे जितने कार्यकर्ता हैं अहिंसा में बिलीव करते हैं, कोई ऐसी घटना ना करे, चाहे पक्ष का या विपक्ष का है वो भारत का नागरिक, एक भी नागरिक को एक खरोच ना आए। क्या ऐसा लोकतंत्र, क्या ऐसा चुनावी सिस्टम दे सकते हैं आप लोग? मैं पक्ष विपक्ष दोनों से बोलता हूं। साथ ही साथ एके मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक। एके मिश्रा, माहौल कौन बना रहा है? माहौल देखिए चावला जी, मैं आपको बोलूं, आजादी हमको मिली थी तो इस चीज के लिए नहीं मिली थी कि मुख्यमंत्री ममता दीदी या प्रधानमंत्री चुने जाए। कितने गर्व से ये नेता लोग बता रहे हैं, बीजेपी के हमारे जो मित्र बैठे हैं ये बोल रहे थे जैसे कोई नोबेल प्राइज या कोई रिकॉर्ड बन गया कि 100 से ज्यादा लोग मर गए। मैं सारे नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, बंगाल के बारे में उसकी हिस्ट्री पे मैं बाद में बात करूंगा, आप मुझे ये बताइए दुनिया भर की ये एडवाइजरी जारी करते हैं, किसी नेता किसी पार्टी ने ये नहीं बोला कि आप लोग शांतिपूर्वक तरीके से रहिए, चुनाव हारिए या जीतिए, एडवाइजरी जारी नहीं की कि अपने अपने जो है पार्टी के समर्थकों के लिए कि ताकि आपको चोट और खरोंच भी ना आए। ये सारे लोग मिल करके देश को, देखिए आपने जो टाइटल दिया ना कि बंगाल का रक्त चरित्र, मैं बोलता हूं बंगाल का नहीं, बंगाल में नेताओं का रक्त चरित्र देखिए। ये दोनों तरफ से मरे, मर तो भारत देश का नागरिक रहा है ना, और एक पार्टी के नेता इसको ऐसे बता रहे हैं कि जैसे ऐसा काम कर दिया है ना भूतों ने भविष्य की। 100 लोग आप खुद बता रहे हैं, 100 लोग आपके कार्यकर्ता मर गए, तो ये टीवी पे बताने के लिए ये अच्छी चीज है? आपने इसको रोकने के लिए कोई एडवाइजरी जारी की? अपने ही कार्यकर्ताओं को आपने बोला कि भाई आप लोग सावधानी बरतिए, ऐसी कहीं जगह पे मत जाइए जहां पे ऐसी चीजें हो रही हैं, हिंसक होके आप लोग मत करिए हिंसा का। सब ये दोनों पक्षों पे लागू है। मैं ममता दीदी की भी बात करता हूं साहब, इन लोगों का क्या है, माहौल कैसे बनेगा? पक्ष विपक्ष दोनों, देखिए जब कोई एक आदमी मरता है चाहे किसी भी पार्टी का हो तो वहां पे ये नहीं देखा जाना चाहिए, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए कि माहौल कौन बना रहा है या कौन खराब कर रहा है। ये ऐसी चीजें हो ही क्यों रही है? इसका मतलब मिश्रा जी, ये मैं मानू ना, हार गए तो मारेंगे? नहीं, हार गए नहीं, अभी कहां ये हारे हैं। मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं दूसरे पक्ष की बात कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं ना हमारे 100 मर गए, वो कहते हैं हमारे 20 मर गए, मर तो दोनों तरफ से रहे हैं ना, और वो खुद संजय सिंह कह रहे हैं कि भैया राजनीतिक लड़ाई है। देखिए राजनीतिक लड़ाई, इलेक्शन कमीशन से मेरी अपील है कि सर आप एक काम करो, अब ये बोल रहे युद्ध हो रहा है, आप ये देखिए युद्ध हो रहा है तो अब सब लोग बंदूक राइफल ये सब लेके उतरा करें चुनाव प्रचार में, उसी से फैसला होगा। फिर ये वोटिंग और इलेक्शन कमीशन का खर्चा क्यों करवा रहे हैं? एके मिश्रा, क्या बंगाल का इतिहास आपको नहीं मालूम? ये तो बंगाल का इतिहास रहा है और बीजेपी उसका अंग बन गई है। मैं आपको नहीं, बंगाल के इतिहास का चावला जी, एक आप जो सुनहरा पल है, सुनहरा पृष्ठ है, उसको देखिए।
शांति निकेतन वहां पे, इंडिया में इकलौता नोबेल प्राइज जो सबसे पहले मिला रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला, शांति के लिए मिला है, लिटरेचर के लिए। संजय सिंह प्लीज जल्दी से जवाब दीजिए, फिर उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। ओके ओके ओके, एक सेकंड एक सेकंड। एग्जांपल से आप बंगाल का जो भी स्थिति है उसको कवर अप नहीं किया जा सकता। सच्चाई ये है कि बहन ममता बनर्जी ये चाहती है, ममता दीदी ये चाहती है कि बंगाल का प्रजातंत्र का वो गला घोट कर रखे, कोई भी वहां का व्यक्ति वोट देने ना जाए, सिर्फ उनके कार्यकर्ता सबका वोट डाले, प्रजातंत्र की एक अच्छी परंपरा वहां कायम ना हो। और ये लड़ाई जो है, जब भारतीय जनता पार्टी इस बात के खिलाफ खड़ी होगी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को शहादत देनी पड़ी। ममता बनर्जी अपने आक्रामक रुख पर आई, नहीं नहीं ये शहादत हो गई सर, एक मिनट सर, आप इसको शहादत शहीद क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे, प्रजातंत्र की रक्षा करना नहीं, मैं इसको बोलूंगा सिपाहियों की शहादत है, मैं इसको बोलूंगा प्रजातंत्र सिपाहियों की शहादत है, फिर आप नेताओं नहीं। देखिए अगर गुलामी आप सुरक्षा की गारंटी अगर अगर गुलामी मान ली जाए, सुनिए अगर ममता दीदी की गुलामी तैयार कर ली जाए, लोग नेता लोग पार्टी लोग, कोई लड़ाई नहीं होगी। एक सेकंड, अगर विरोध होगा तो लड़ाई होगी। बारे में क्यों कोई कदम नहीं उठाते हैं? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड भाई मोदी ने अपनी बात रखी है, जो बात इन्होंने कही, दीपक शंधार जो बात आप कह रहे हैं, जो बात पांडे जी कह रहे हैं, जो बात संजय सिंह कह रहे हैं, मैं उसको कबूल करता हूँ। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार मैं आपको दिखाऊंगा यूपी की हकीकत भी, और फिर बताइएगा राजनीतिक हत्या कहां हो रही है। एके मिश्रा प्लीज एक सेकंड एके मिश्रा अपनी बात रखिए प्लीज, 10 सेकंड में जल्दी से। हमारा देश महान इसलिए बोला जाता है अहिंसा परमो धर्मा, ये राजनीतिक हत्याएं ही थी जिससे क्षुब्ध होकर के अशोक ने अपनी तलवार को त्याग दिया, युद्ध को त्याग दिया। अब ये सारे पॉलिटिकल पार्टी उसी चीज को, यानी राजनीति में हत्याकरण को, राजनीति में अराजकता को वापस लेके आ रहे हैं, और लोग इसका महिमा मंडन कर रहे हैं। 25 पार्टियां इधर भी हैं, 25 पार्टियों का ग्रुप उधर भी है, ये इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं, क्यों नहीं सारे मंच पे एक लोग इकट्ठे होके बोले कि भाई वोटिंग हो रही है, राजनीति के चक्कर में कोई किसी के ऊपर अटैक ना करे, पक्ष विपक्ष दोनों की बात कर रहा हूं। साहब कितने नर मुंडों के ऊपर चढ़कर आप लोग विजय पताका अपनी फहराएंगे? आपकी सरकार सबके विश्वास की बात करती है, यह आपको समझने की आवश्यकता है। किसके विश्वास की बात करती है सर? सबका विश्वास, वो इस लोकतंत्र में विश्वास। आप सुनिए, आप आरएसएस के विचारक हैं, आप बीजेपी को क्यों नहीं बोलते हैं? ये आपको समझने की आवश्यकता है। बीजेपी को आप पॉलिटिकल, आप तो सर विचारक हैं, आरएसएस तो विचारधारा को प्रेरित करती है, आप क्यों नहीं बोलते हैं कि बीजेपी, या आप स्टेटमेंट जारी करवाइए ना मोहन भागवत जी से कि भाई बीजेपी के हमारे जितने कार्यकर्ता हैं अहिंसा में बिलीव करते हैं, कोई ऐसी घटना ना करे, चाहे पक्ष का या विपक्ष का है वो भारत का नागरिक, एक भी नागरिक को एक खरोच ना आए। क्या ऐसा लोकतंत्र, क्या ऐसा चुनावी सिस्टम दे सकते हैं आप लोग? मैं पक्ष विपक्ष दोनों से बोलता हूँ। एक सेकंड में ब्रेक ले लो, इससे पहले ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है और विश्व की सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं का संगठन है ये भारतीय जनता पार्टी। दीपक शंधार और एक सेकंड बचा नहीं पा रही है, एक मिनट प्लीज, नहीं और अपने कार्यकर्ताओं को बचा नहीं पा रही है तो 120 करोड़ लोगों को कैसे बचाएगी? बंगाल में तुष्टिकरण के खिलाफ लड़ाई हो रही है, 120 करोड़ जनता की सुरक्षा की क्या गारंटी है? अगर 100-100 अपने कार्यकर्ताओं को आप नहीं बचा पाए, बंगाल सरकार से पूछिए किस काम की आपकी संस्था सरकार क्यों बोलती है? दीपक शंधार, दीपक शंधार, मैं ये नहीं बोल रहा, अच्छा आप किसी भी तरीके से ऑडियो नीचे, ऑडियो नीचे, एक सेकंड मिश्रा जी प्लीज, एक सेकंड संजय सिंह, एक सेकंड दीपक शंधार, एक बात बताइए मुझे, जो बात आप कह रहे हैं कि भैया बीजेपी वालों को मार दिया, टीएमसी वाले जो मरे हैं उनको किसने मारा? मैं मिश्रा जी, मैं आप ये बात समझिए, दीपक भाई बताइए ना, जो टीएमसी वाले मरे उनको किसने मारा? कि हत्या या सरकार का बचाव किसी एक पक्ष के लिए नहीं होता है। अरे सरकार सभी पार्टियों की होती है। दीपक शंधार मेरी आवाज पहुंच रही है कि आप बोलते हो कि मिलिट्री को हटा दो हम मैनेज कर लेंगे, साहब ऐसे चुनाव में एक एक कार्यकर्ता को लगा दीजिए ना, इस तरीके की प्रस्तावना है। ऑडियो मुझे नीचे करना पड़ रहा है, मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है मजबूरन। कुछ कमियां नहीं रही होती तो ये लोग क्यों आते? अगर जब फिर आप आए हैं, ठीक है जल्दी से, जल्दी से एके मिश्रा, फिर उसके बाद में जरा जो है जो चैलेंज दे रहे संजय सिंह उसको भी आप सबसे पूछना चाहूंगा। चावला जी,
बंगाल की पॉपुलेशन 7-8 करोड़ होगी। मैं ममता दीदी से पूछना चाहूंगा, अगर आपके 10-20 जिन लोगों की हत्या हुई जो मर गए, आप 10-20 लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो 7 करोड़ की जनता को आप क्या सुरक्षा देंगी सड़कों पे कैसे? यही चीज मैं बीजेपी से पूछूंगा और कांग्रेस सबसे मैं पूछूंगा। 28 राज्यों में आपकी सरकार है, केंद्र में यहां वहां हर जगह है, आप अपने कार्यकर्ताओं को सुरक्षा नहीं प्रदान करवा पा रहे हो सर, एक एडवाइजरी नहीं जारी कर पा रहे हो, सारे पार्टी के लोग अरे सर वो कह रहे हैं यूपी में जरूरत नहीं है, नहीं बना पा रहे हो, मिश्रा इस देश को क्या सुरक्षा दोगे सर? एके मिश्रा वो कह रहे हैं यूपी में जरूरत है ही नहीं, राजनीतिक हत्या नहीं हो रही। ओके ओके दीपक शानदार, ओके एक सेकंड क्यों एडवाइजरी किसने जारी की थी? दीपक शानदार एडवाइजरी आरएसएस जारी की क्या? संघ ने आरएसएस ने जारी किया क्या एडवाइजरी? क्यों इतना इंटरेस्टेड हो गया हत्या गिनने और गिनवाने में? एक सांस्कृतिक संगठन आज इतना एडवाइजरी जारी कर दीपक शानदार, क्या कभी संघ ने एडवाइजरी जारी हो रही है? धारा बदल गई क्या संघ की? क्या कभी संघ ने किसी अपराध का समर्थन किया है? अरे तो यूपी में करिए ना, रुकिए एक सेकंड कोई नहीं बोलेगा, कभी किसी हत्या का आरोप अपने सिर लिया है यूपी में? मुझे ये बताइए, शर्म आ रही है यूपी में हो रहा है? किसी कभी संघ ने दीपक शानदार बोलेंगे कार्य किया हो, कभी संघ ने कोई शोर मचाया हो, आप मुझे क्यों बता रहे शोर? क्या नहीं बीजेपी संवैधानिक कार्य है? अरे सर एडवाइजरी जारी कर दीजिए ना, कार्य का समर्थन के लिए कभी संघ ने किया हो? बोलिए एक सेकंड, बताइए मुझे 2 मिनट बोलने का मौका प्लीज जल्दी प्लीज। उत्तर प्रदेश में हत्या हो चाहे बंगाल में हत्या हो, हत्या हत्या है, कहीं से भी वो देश के लिए अच्छा नहीं है। आपको सर एक मिनट प्लीज, सर एक मिनट सुनिए प्लीज, अब आप बदल रहे हैं प्लीज, नहीं बदल रहे, सुनिए आप पूरी बात सुनिए, देखिए आप बोलने नहीं दे रहे। संजय चावला जी मुझे 2 मिनट बोलने का मौका प्लीज जल्दी प्लीज प्लीज। उत्तर प्रदेश में हत्या हो चाहे बंगाल में हत्या हो, हत्या हत्या है, कहीं से भी वो देश के लिए अच्छा नहीं है। आपको सर एक मिनट प्लीज, सर एक मिनट सुनिए प्लीज, अब आप बदल रहे हैं प्लीज, नहीं बदल रहे, सुनिए आप पूरी बात सुनिए, देखिए आप बोलने नहीं दे रहे, आप बोलने नहीं दे रहे, आप यहां रह रहे हैं और क्या बदल रहे हैं, क्या बदल रहे हैं? आपने चैलेंज किया था दीपक सिंह मुझे अभी कुछ दिन पहले, हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग हुई है, यहां की सरकार सेंसिटिव है, आप यहां की बात कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग को लेकर, मॉब लिंचिंग को लेकर तो अलीगढ़ में क्या हो गया? बुलाई सरकार से मीटिंग है तो अलीगढ़ में क्या हो गया? आदित्यनाथ जी ने मीटिंग बुलाई सर, आप ये भी बताइए, देखिए आप ये भी बताइए, एक्शन ऑफ गवर्नमेंट ममता बनर्जी ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए पुलिस के प्रशासनिक अधिकारियों को जेल में ठूसने का काम किया, प्रशासनिक अधिकारियों से बदतमीजी करने का ममता बनर्जी सरकार ने किया, एक सेकंड प्लीज, बेहद शर्मनाक कार्य जो है नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में 1400 से ज्यादा क्रिमिनल आप चले गए ऊपर। एक काम करिए ये आरएसएस विचारकों की आंखें क्यों बंद हो जाती है यूपी को देखते हुए? मैं जान सकता हूं, मैं वही कहना चाहता हूं, ये जो अतीक अहमद जी का नाम ले रहे थे, अतीक अहमद जी वाह क्या बात है, वाह वाह वाह, एक सेकंड प्लीज, हां दीपक शानदार, अतीक अहमद जी नहीं, साक्षी महाराज को समझाइए जो जेल में जाके आरोपियों से मिलते हैं और कहते हैं कि भैया धन्यवाद अदा करने गया था, अपनी बात रखिए प्लीज। नहीं, इन्होंने उन्हीं गुंडा राज को पोषित करने वाले, ऐसे गुंडा नेताओं को पोषित करने वाले। अरे आपकी आंखें क्यों बंद हो जाती है दीपक शानदार? आप कह रहे पश्चिम बंगाल में राजनीतिक शासन लगे, हमारी आंखें बंद नहीं है, क्यों बंद हो गई? समरसता का भाव पैदा करने वाले लोग हैं, आपको दिखाया मैंने कितनी राजनीतिक हत्या हुई, वाले लोग हैं हम, अरे सर बोलिए ना, ये झूठे आंकड़े वाले लोग हैं, हम भारत की अखंडता को वाले लोग हैं, हमारी आंखें बंद नहीं होती, हमारी आंखें हमेशा खुली रहती हैं, आपको अभी पार्टी में लेकर के आते हैं उसके लिए इतना हो हल्ला होता है। एक मिश्रा संजय सिंह मौका दिया मैंने आपको प्लीज, मिश्रा बड़ा विनम्र निवेदन है, समरसता की बात करने वाला आरएसएस, भाईचारे की बात करने वाला आरएसएस, इतनी हत्याएं बंगाल में हर जगह हो गई, पॉलिटिकल सुन लीजिए ना सर,
पश्चिम बंगाल पे आइए, एक बात बताइए कि मिश्रा, ये बीजेपी जो कर रही है वो जानबूझ के कर रही है या फिर वाकई में ममता दीदी का सिंहासन मिल रहा है इस वजह से बंगाल में बवाल है? सवाल देखिए चावला जी, मैं आपको बताऊं, ये नर अपने देश के नागरिकों के लाशों के ऊपर चाहे सिंहासन हिले या मिले, मैं इसको जो है समर्थन नहीं करता हूं। ये नर अपने देश के नागरिकों के लाशों के ऊपर चाहे सिंहासन हिले या मिले, मैं इसको जो है समर्थन नहीं करता हूं। इससे बढ़िया न सिंहासन हिले न मिले, यानी इलेक्शन कमीशन संविधान को मैं बोलता हूं भाई चुनाव ही मत करवाओ। अगर ये कीमत देनी पड़ रही है, बोली वाली जनता आपको समर्थन कर रही है, पक्ष विपक्ष दोनों के लिए बोल रहा हूं, तो आप ये एडवाइजरी जारी करो सारे लोग चुनाव के पहले कि भाई ऐसी चीजें मत करो, एक दूसरे को इस मामले में सपोर्ट करो। राम राज्य क्या हिले और मिले, संघासन हिले और मिले लाशों के ऊपर अपने वोटरों के, देश के नागरिकों के ऊपर। यूपी में राम राज्य क्या, यूपी में राम राज्य आपको ये लग रहा है कि मिश्रा? कहां राम राज्य है साहब, अगर राम राज्य देखिए मैं चलो मान लेता हूं राम राज्य है, लेकिन आंख के सामने अभी अलीगढ़ में जो हो गया 2 साल की बच्ची के साथ, राम राज्य में ये होता था क्या सर? चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे मायावती की सरकार हो, चाहे राष्ट्रपति शासन हो, सर कहां राम राज्य से जबरदस्ती तुलना कर रहे हैं? राम राज्य में एक कुत्ते को उसके मालिक ने लाठी से मार दिया, उसका सर फूट गया, उसको भी न्याय मिला था, राम ने उसको दंड दिया था। राम राज्य ये होता है, राम राज्य केवल मुंह से बोल देने से नहीं होता है। कोई पार्टी जीत गई तो न उससे राम राज्य आ जाता है, न अंबेडकर राज्य आ जाता है, न कोई राज्य आ जाता है। एक सेकंड, दीपक पांडे जी, तोड़फोड़ मारपीट उसके अंतर्गत होने वाली मृत्यु, जहां आम जनता प्रभावित हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, आप एक नहीं करता हुए हैं एकदम नहीं आम जनता, अरे नहीं एक मिनट भाई साहब, आप राजनीतिक विश्लेषक हो, आप किसी राजनीति के जो स्टेटमेंट है उसको आप विश्लेषण करो, आप अपना व्यू मत रखो यहाँ। नहीं 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 व्यू वाली बात नहीं, आप व्यू मत रखो, आपका व्यू बंगाल के अंदर, बंगाल के अंदर समाज में लड़ाई घुस चुका है। यूपी में होता है तो क्यों नहीं दिखाई देता आपको, मैं इतना जानना चाह रहा हूं। मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि आप मुझे बताइए कि सामाजिक सांस्कृतिक संगठन ने कहीं हत्याओं का समर्थन किया है क्या? तो सर मौन क्यों हो जाते हैं यूपी को लेकर? बताइए ना कि कहीं समर्थन किया है क्या? अरे सर नहीं बोलते हो तो ये मौन समर्थन, मौनम स्वीकार लक्षणम, अरे सर नहीं बोलते हो तो ये मौन समर्थन, मौनम स्वीकार लक्षणम, अगर आप चुप हो तो इसका मतलब है मौनम स्वीकार लक्षण। हम बंगाल में चुप नहीं है इसलिए चल रहा है ये। अच्छा तो यूपी में बता दे रहा हूँ, बंगाल में चुप नहीं है, यूपी में ठेका उठा लीजिए। केवल बीजेपी के जो लोग मरे हैं उनके, दीपक पांडे हमारी संवेदना जनता के प्रति, चार बार बोल चुके हैं जो लोग मरे हैं, आपने टीएमसी के जो लोग मरे हैं उनको क्यों नहीं बुलाया शपथ ग्रहण समारोह में? आपने टीएमसी के जो लोग मरे हैं उनको क्यों नहीं बुलाया शपथ ग्रहण समारोह में? अरे हमारे हमारे कार्यकर्ताओं को मार दिया गया, हमारे कार्यकर्ताओं को मार दिया गया, उसको सम्मान दिया कि चुनाव में हत्या हुई है, चाहे हमने अपने कार्यकर्ता के परिवार को सम्मान दिया। अरे नहीं, अरे वो नागरिक नहीं है देश के जो टीएमसी के मर गए? नहीं नहीं, वो भी तो नागरिक है, उसको भी तो दीपक पांडे ने कहा। मैं फाइनल कमेंट ले रहा हूँ, प्लीज वक्त खत्म हो रहा है, एक सेकंड फाइनल कमेंट ले रहा हूँ। दीपक, जो राजनीतिक हत्या हुई, अफसोस होता है, होता है ना, एकदम होता है, जनता को किसी भी पार्टी के रूप में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे किसी के रूप में, दिया स्टेटमेंट किसी भी पार्टी के रूप में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे किसी के रूप में, दिया स्टेटमेंट क्या बदल दिया? दूसरों की हत्या भी आपको अफसोस हुआ होता तो बुलाते प्रधानमंत्री, बुलाते प्रधान, अरे एडवाइजरी जारी पूरे देश को बुला लिया गया। फाइनल कमेंट 10 सेकंड ले रहा हूँ, 10 सेकंड ले रहा हूँ, दबाव है।